TCL Giridhi is here to discuss the first chapter of chemistry, that is solid state, ठोस अवस्था के बारे में. आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में ठोस अवस्था के बारे में. हम लोग बात करेंगे, उसके पहले हम लोग जान लेंगे जो मैटर थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. हम स्टैंडर्ड 9 में भी पढ़े हैं जो मैटर थ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठोस अवस्था, द्रव्य और गैस, मैटर तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है. अब है जो हम लोग इस पदार्थ का तीनों स्टेट के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और फिर हम लोग जो टॉपिक है सॉलिड, सॉलिड स्टेट, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो क्या है सॉलिड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, बहुत क्लोजली पैक्ड होता है. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. क्लोजली पैक्ड मतलब क्या हुआ बच्चों, जो पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक रहते हैं. ये पार्टिकल्स क्या है, इट मे बी मॉलिक्यूल, इट मे बी आयन और इट मे बी एटम. ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स है सॉलिड में ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं, ये बहुत नजदीक नजदीक रहते हैं ये. और इसमें क्या है, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर रहता है और गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं. ये तो हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े हैं. फिर से हम लोग बात कर रहे हैं जो पदार्थ का तीन स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, तीन अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं. ये तीनों अवस्था क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और आपका गैस. अब हम लोग पहला पॉइंट बात किए क्या है, जो इसमें जो अव्ययी कण है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो क्या है सॉलिड में बहुत नजदीक नजदीक रहते हैं और लिक्विड में थोड़ा दूर दूर रहते हैं और गैस में क्या रहता है, बहुत दूर. तो पहला पॉइंट हम लोग बात कर लिए, क्लोज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. इसमें क्या है, पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड आप बोल सकते हो देन सॉलिड्स, लेस क्लोजली पैक्ड देन सॉलिड्स. और इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड. तो हम लोग पहला बात करेंगे जो इसमें पार्टिकल्स क्या है, बहुत नजदीक नजदीक रहते हैं, तो इसे कहते हैं इसमें क्लोजली पैक्ड रहता है पार्टिकल्स. इसमें क्या है पार्टिकल्स, जितना इसमें क्लोजली रहता है पैक उससे कम रहता है और इसमें क्या रहता है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर में रहते हैं, पार्टिकल्स आर डिस्टेंस अपार्ट. अब हम लोग दूसरा पॉइंट के बारे में बात करेंगे. दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिकुलर कह सकते हो, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में पार्टिकल्स नजदीक नजदीक रखने के कारण उनके बीच में जो आकर्षण बल है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है. लिक्विड में क्या रहता है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड. और गैस में क्या रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस,
ठीक है, तो हमने बताया जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में, अभेदी तरंग के बीच में, दैट मे बी मॉलिक्यूल्स, दैट मे बी आयंस, दैट मे बी एटम्स, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, वो सॉलिड में बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, आकर्षण बल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें क्या है, इससे कम रहेगा, और इसमें क्या है, बहुत कम रहेगा। तो हम लोग दो पॉइंट का बात कर लिए हैं, एक हो गया पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक रहते हैं, दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तीसरा डेंसिटी, हाई डेंसिटी, घनत्व। इसमें क्या रहता है, सॉलिड में पार्टिकल्स का डेंसिटी बहुत हाई रहता है, इसका डेंसिटी जनरली बहुत हाई रहता है सॉलिड स्टेट में, किसी भी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट में डेंसिटी जनरली हाई रहता है। इसमें क्या है, जनरली, जनरली मतलब क्या बच्चे, साधारणतः, साधारणतः क्या रहता है, लेस देन सॉलिड, और इसमें क्या है, डेंसिटी लेस देन सॉलिड एंड लिक्विड, सबसे कम होता है डेंसिटी गैसियस स्टेट में किसी भी सब्सटेंस का, उससे अधिक होता है, उससे थोड़ा अधिक होता है लिक्विड स्टेट में, और उससे अधिक होता है आपका सॉलिड स्टेट में। अब इसमें कुछ अपवादे भी है, जैसे आप देख लो आइस और वाटर, दोनों क्या है, आपका वाटर का दो स्टेट है, लिक्विड वाटर और आइस। आप देखते हो क्या, आइस पानी के ऊपर तैरता है, आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। यहाँ आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, जो मैडम ने तो कहा जो सॉलिड स्टेट का डेंसिटी अधिक होता है लिक्विड स्टेट से किसी भी मैटर का, तब आइस कैसे फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर। तो बच्चे ये एक एक्सेप्शनल केस है, आइस में वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन क्वांटिटी इस तरह से रहते हैं जो उसमें बहुत सारा केज लाइक उसका स्ट्रक्चर रहता है, और उसमें बहुत सारा वैकेंट स्पेस रहने के कारण उसकी डेंसिटी वाटर लिक्विड स्टेट से कम रहता है, इसलिए वो आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। हमें लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा, जो जनरली साधारणतः लिक्विड स्टेट का डेंसिटी सॉलिड स्टेट से कम रहता है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स का, मैं इसको मिटाती हूँ। ओके, सॉलिड्स आर जनरली रिजिड, रिजिड मतलब क्या, इसका आकृति जो है वो आपका फिक्स्ड रहता है। सॉलिड्स क्या है, रिजिड होता है, और उसका वॉल्यूम, इट हैज फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। मैं समझाती हूँ, सॉलिड्स क्या है, रिजिड है, और उसका क्या रहता है, शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड रहता है ना। आयतन भी आपका फिक्स्ड होता है और उसका आकृति भी फिक्स्ड होता है, बट ये नॉट रिजिड, लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, और ये भी नॉट रिजिड। ये क्या होगा, नो फिक्स शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, आइस में होगा नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। देखिए सॉलिड्स क्या होता है, रिजिड होता है, इसका मतलब क्या है, सॉलिड
जनरली फ्लो नहीं करता है, बट लिक्विड और सॉलिड क्या होता है, वो फ्लो करता है। तो ये लोग क्या होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं। फिर मैंने नेक्स्ट बात बताया, सॉलिड का शेप और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड रहता है, बट आपका लिक्विड का क्या होता है, फिक्स्ड शेप नहीं होता है, फिक्स्ड सिर्फ वॉल्यूम होता है, उसका आयतन फिक्स्ड रहता है बट शेप फिक्स्ड नहीं रहता है। आप लोग सब देखते हो, आप यदि एक मग में पानी लेते हो तो पानी क्या करता है, मग का आकार ले लेता है, ग्लास में लेते हो तो ग्लास का आकार ले लेता है। तो क्या है, आपका लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता है। और गैस का क्या होता है, गैस का फिक्स शेप भी नहीं होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है, इसकी आकृति और आयतन दोनों आपको फिक्स्ड नहीं रहता है। कहीं भी आप देखते हो गैस का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कहीं भी आप परफ्यूम को स्प्रे करो तो चारों तरफ वो फैल जाता है। तो इस पर भी हम लोग एक बात करेंगे, सॉलिड्स जनरली डू नॉट डिफ्यूज, सॉलिड क्या होता है, वो डिफ्यूज नहीं करता है। तो अगला हम लोग क्या पॉइंट बता रहे हैं, सॉलिड डिफ्यूज नहीं करता है, उसका पार्टिकल्स एक जगह से जनरली दूसरा जगह नहीं मूव करता है, मगर आपका लिक्विड वो भी बहुत कम डिफ्यूज करता है। और गैस क्या है, वो हाईली डिफ्यूज करता है, वो आपको अपना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में तुरंत फैल जाता है। तो हम लोग कहते हैं जो सॉलिड का डिफ्यूजर क्या होता है, ना के बराबर है, लिक्विड का डिफ्यूजर क्या है, थोड़ा होता है, और गैस का डिफ्यूजर क्या है, थोड़ा बहुत होता है। तो हम लोग क्या क्या पॉइंट में बात कर लिए, हम लोग बात किए जो मैटर तीन स्टेट में होता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक रहने के कारण पार्टिकल्स में आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई रहता है, पार्टिकल्स के बीच का दूरी सॉलिड में बहुत कम होता है, सॉलिड्स रिजिड होते हैं, सॉलिड्स का फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और सॉलिड्स जनरली डिफ्यूज नहीं करता है। और लिक्विड और गैस के बारे में भी मैंने बात किया, लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर रहते हैं, गैस में पार्टिकल्स और दूर दूर रहते हैं, लिक्विड रिजिड नहीं होते हैं, गैस भी रिजिड नहीं होते हैं, लिक्विड्स का शेप फिक्स नहीं होता है बट उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, गैस का ना ही शेप फिक्स रहता है और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। फिर हम लोगों ने बात किया, लिक्विड्स थोड़ा बहुत डिफ्यूज करते हैं और गैस बहुत ज्यादा डिफ्यूज करते हैं। हाँ बच्चों, तब हम लोगों ने जान लिया सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़े थे। अब हम लोगों का स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर जो सॉलिड स्टेट है, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो हम लोगों ने सीख लिया सॉलिड्स का प्रॉपर्टी को, सॉलिड्स का फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है, सॉलिड्स में आकर्षण बल इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में दूरी डिस्टेंस जो होता है बहुत कम रहता है, सॉलिड्स रिजिड होते हैं, सॉलिड्स आर जनरली नॉट कंप्रेसिबल, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। एक आध अपवाद है, आप जैसे ले लोगे स्पॉन्ज, तो स्पॉन्ज को आप स्क्वीज कर
तो उसका वो थोड़ा सा क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, स्पॉन्ज के बीच में बहुत सारा खाली जगह रहता है जहाँ एयर घुस जाता है, और जब आप उसको स्क्वीज करते हो, निचोड़ते हो, तब क्या हो जाता है, वो एयर निकल जाता है, तो वो कंप्रेस हो जाता है। पर जनरली सॉलिड्स क्या होते हैं, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। सॉलिड्स का क्या रहता है, आपको शेप और वॉल्यूम फिक्स रहता है। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, सॉलिड्स का फ्लूडिटी नहीं होती है। अब हम लोग ये सब बात जब सॉलिड का कर लिए, तब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो बच्चे सॉलिड जनरली दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोग बात कर रहे हैं जो
क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय सॉलिड। अब है जो हम लोग बात किए जो पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज रहते हैं और उससे हम लोग देखते हैं क्या एक डेफिनेट पैटर्न इसमें मिलता है। और इसमें क्या है आपको पार्टिकल्स इरेगुलरली अरेंज रहते हैं और इसलिए इसका नाम शॉर्ट रेंज सॉलिड भी पड़ा है। ठीक है बच्चों लिख लिए तब हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं। क्या बता रही थी
जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का उदाहरण मैंने दिया आपको, सोडियम क्लोराइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सुगर हो गया, ये सब सब क्रिस्टलाइन सॉलिड का उदाहरण हुआ। और अमरफस सॉलिड का क्या एग्जांपल दिया आपको, अमरफस सॉलिड का एग्जांपल दिए आपको कोल, प्लास्टिक, ये सब सब। अब हम आपको क्या बताएं, जो आप कोई पुराना बिल्डिंग का पुराना खिड़की को आप ध्यान से देखते हो तो आप क्या देखते हो, जो ग्लास का विंडो क्या है, नीचे में मोटा है और बीच में पतला। ऐसा क्यों हो गया, क्यों जानते हो, क्योंकि ग्लास हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो, ग्लास का टेंडेंसी रहता है फ्लो करने का। तो वो क्या हो जाता है, बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है। अब फ्लो करने से क्या हो जाता है, उसका नीचे थोड़ा मोटा हो जाता है और बीच में थोड़ी पतली हो जाती है। तो हम लोग अगला पॉइंट का बात करेंगे, इस डू नॉट फ्लो या इसे कहते हैं ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं, बट इसे हम लोग कहते हैं स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड इसे कहते हैं, अमरफस सॉलिड को हम लोग कहते हैं स्यूडो सॉलिड, इसे हम लोग कहते हैं ट्रू सॉलिड और इसे हम लोग कहते हैं स्यूडो सॉलिड। क्यों हम लोग इसे ट्रू सॉलिड बोले, क्योंकि इसमें सॉलिड का सारा प्रॉपर्टीज दिखता है, पर इसमें कहीं कहीं आपको लिक्विड का भी प्रॉपर्टी आ गया। कैसे आ गया, क्रिस्टल अमरफस सॉलिड फ्लो करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड डू नॉट फ्लो, पर अमरफस सॉलिड थोड़ा फ्लो करता है, बहुत धीरे फ्लो करता है पर फ्लो करता है। इसलिए हम लोग अमरफस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड या फॉल्स सॉलिड भी कहते हैं। आपको एक रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछ देता है, जो पुराना ग्लास का विंडो नीचे क्यों मोटा दिखता है और बीच में क्यों पतली दिखती है, आप क्या बताओगे, क्योंकि ग्लास इज ए अमरफस सॉलिड एंड इट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो। ग्लास क्या होता है, फ्लो करता है। इसलिए बहुत साल के बाद जब हम लोग बारीकी से नजर डालते हैं किसी ग्लास विंडो में तो लगता है नीचे थोड़ा मोटा है और बीच में पतला है। तो हम लोग क्या क्या बात कर लिए, सॉलिड का दोनों स्टेट के बारे में बात कर लिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, इसमें पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज रहते हैं, नियमित क्रम में अरेंज रहते हैं इसका अभिक्रम का, इसलिए इसका नाम पड़ा है लॉन्ग ग्रीन सॉलिड। अमरफस सॉलिड में पार्टिकल्स नियमित क्रम में नहीं अरेंज रहते हैं, डेफिनेट ऑर्डर में नहीं अरेंज रहते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट वेव सॉलिड भी कहते हैं। दूसरा बात हम लोग किए, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड रहता है, अमरफस सॉलिड का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहता है, ये सॉफ्ट होता है, मतलब ये पिघलता है एक टेम्परेचर रेंज में। उसके बाद हम लोग बात किए, क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड होता है और आपका अमरफस सॉलिड क्या होता है, उसको हम लोग स्यूडो सॉलिड या फॉल्स सॉलिड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड फ्लो नहीं करता है बट अमरफस सॉलिड फ्लोस एट वेरी स्लो रेट। अब हम लोग आगे का पॉइंट के बारे में बात करेंगे, क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड आइसोट्रॉपिक
Crystalline solids are an isotropic. And amorphous solid क्या होता है? Isotropic. Crystalline solids an isotropic होते हैं. और amorphous solid क्या है? Isotropic होते हैं. अब आप लोगों को मैं बताऊंगी an isotropic होता क्या है. Crystalline solid का different physical properties होता है, different direction में उसका physical properties different होता है. Physical properties जैसे electrical resistance, refractive index, ये सब physical properties आप different direction में लिखिएगा तो different होगा. इसलिए हम लोग करते हैं क्या, जो crystalline solid क्या है, एन आइसोट्रॉपिक होते हैं. समझ में आया? क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग एन आइसोट्रॉपिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में. कैसा कैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये सब. पर एमरफस सॉलिड क्या होते हैं? ये आइसोट्रॉपिक होते हैं. इसका डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या होता है? सेम होता है डिफरेंट डायरेक्शन में. एमरफस सॉलिड में तो हम लोग बात कर लिए हैं जो एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक. नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब हम लोग काटते हैं कोई शार्प एज से, टूल से, शार्प एज टूल से आप काटोगे, कोई शार्प एज औजार से जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटोगे तो ये क्लीन क्लेवेज देगा. ये क्लीन क्लेवेज देगा. हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड का और प्रॉपर्टी का. एक बताए एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक होता है. क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और एमरफस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं. अगला पॉइंट हम लोग क्या बोल रहे थे? क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब आप काटिएगा कुछ शार्प एज टूल से, औजार से, तो क्या होता है? ये क्लीन क्लेवेज देता है. ये एक पर आप यदि एमरफस सॉलिड को काटिएगा तो क्या हो जाता है? ये ब्रिटल रहता है, ये चूर चूर हो जाता है, क्लीन क्लेवेज नहीं देता है, अनक्लीन क्लेवेज देता है. तो हम लोग बात कर लिए सारा प्रॉपर्टी का. आप देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी एक एग्जांपल भी ले सकते हो उसको समझने के लिए. आप यदि डायमंड को काटिएगा, ग्रेफाइट को काटिएगा, तो क्या होगा? वो क्लीनली कट जाएगा शार्प एज टूल से आप यदि काटेगा. पर आप कोयला को यदि काटने का कोशिश कीजिएगा तो क्या होगा? वो चूर चूर हो जाएगा, तो उसका क्लीन क्लेवेज नहीं होता है. ठीक है, तो हम लोग बात कर लिए सॉलिड दो तरह का मेनली होता है, क्रिस्टलाइन और एमरफस. अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड मेनली चार तरह के होते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं? चार तरह के होते हैं. कितने टाइप्स? फोर टाइप्स. आयोनिक, कोवेलेंट, मेटालिक, और
बच्चों हम आपको बता रहे हैं जो अब हम लोग बात करेंगे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड मेनली फोर टाइप्स के होते हैं, आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम लोग बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसमें क्या रहता है। तो आयोनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन्स रहता है, कोवेलेंट सॉलिड में क्या रहेगा एटम्स, मेटालिक सॉलिड में रहता है इलेक्ट्रॉन्स, लोग बात करते हैं
इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली। क्यों आर्थिंग सॉलिड कंडक्टर्स है? क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है आपका? आयन्स है, और आयन्स आपको हैज अ टेंडेंसी, मूवमेंट ऑफ आयन्स के कारण आयन्स फ्रीली मूव कर सकता है, इसलिए ये क्या है, आयोनिक सॉलिड क्या होगा, कंडक्टर्स होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है, जो आयोनिक सॉलिड क्या कंडक्टिविटी शो करेगा ठोस अवस्था में? नहीं, सॉलिड स्टेट में ये नहीं शो करता है कंडक्टिविटी, ये शो करता है कंडक्टिविटी इन लिक्विड स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। पानी में इसको घोल दीजिए या फिर इसको आप हीट करके लिक्विड स्टेट में बदल दीजिए, तब ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेगा। क्यों सॉलिड स्टेट में नहीं कर सकता है? क्योंकि सॉलिड स्टेट में फ्री आयन्स तो होते ही नहीं, आयन्स सब आपस में स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड रहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इसलिए आयोनिक सॉलिड गुड कंडक्टर्स होते हैं। पर ये जब आप इसको मेल्ट कीजिएगा या फिर पानी में घोलिएगा। कोहेरेंट सॉलिड्स आर जनरली क्या है आपका? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स मतलब क्या हुआ बच्चों? इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करता है। अब आपका मन में एक क्वेश्चन जगेगा, जो मैडम ने तो ग्रेफाइट का एग्जांपल दिया था। हाँ, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पर जनरली कोहेरेंट सॉलिड्स इंसुलेटर्स होते हैं। अब है मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स क्या है, इसमें आपको समझना पड़ेगा मेटालिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, अपयोगी कण क्या है। इसमें आपका अपयोगी कण है पॉजिटिवली चार्ज आयन और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। मेटालिक सॉलिड में क्या रहता है, मेटालिक क्रिस्टल में कैसे रहते हैं, संरचना कैसी रहती है, मेटल एटम्स का जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन का सी बना देता है, वो डीलोकलाइज्ड करता है, और इसमें क्या रहता है आपको पॉजिटिवली चार्ज आयन रहता है। तो ये आपका कंडक्टर्स होते हैं। क्यों कंडक्टर्स होंगे? क्योंकि इसके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट के कारण ये आपका क्या होगा, ये मेटालिक सॉलिड्स आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ये आपका क्या है, कंडक्टर्स है। और आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, इंसुलेटर्स होते हैं जनरली। तो मेटालिक सॉलिड्स कंडक्टर्स होते हैं और मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या रहता है, इंसुलेटर्स होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इंसुलेटर्स जनरली होता है। अब हम लोग यदि बात करेंगे कौन कौन सा प्रॉपर्टी का, हम लोग बात कर लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बात कर लिए हम लोग, बात की है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, हम लोग हार्ड सॉफ्ट बात कर लिए, अब है मेल्टिंग पॉइंट का बात करेंगे। तो आयोनिक सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने के कारण इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई होता है। आयोनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। कोवेलेंट का इसका भी हाई होगा, कोवेलेंट का जनरली लो होता है मेल्टिंग पॉइंट, और आपका मॉलिक्यूलर का भी लो रहता है। यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहता है किसका, आयोनिक सॉलिड का और मेटालिक सॉलिड का, इसलिए इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है। अब इस मॉलिक्यूलर सॉलिड में जब हम लोग बात करते हैं तो सब
उसका सबसे लो होगा, उसके बाद डाइपोल, डाइपोल का भी लो होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का थोड़ा अधिक होगा, ये लोगों से मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग आज बात कर लिए, सबसे पहले हम लोग बात किए क्या, जो मैटर थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसमें हम लोग बताएंगे सॉलिड स्टेट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में क्या रहता है, सॉलिड का प्रॉपर्टीज, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, रिजिड, नॉट, जनरली नॉट कंप्रेसिबल, जनरली डू नॉट फ्लो, ये सब पहले हम लोग बात किए। फिर हम लोग क्या बात किए, कितने तरह का सॉलिड होता है। जनरली दो तरह का सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। हमने उसका प्रॉपर्टीज का बात किया, फिर से एक बार बता देते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज सॉलिड कहते हैं, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो रेगुलर वे में अरेंज रहता है, तो एक डेफिनेट पैटर्न देता है। और अमोर्फस सॉलिड को शॉर्ट रेंज सॉलिड कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज नहीं रहते हैं। अब है क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, अमोर्फस सॉलिड का कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। अमोर्फस सॉलिड मेल्ट करता है ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, पिघलना स्टार्ट करता है किसी टेम्परेचर से, अब किसी टेम्परेचर तक वो पिघलते रहता है। फिर हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड कहते हैं, क्योंकि इसमें सॉलिड का सारा प्रॉपर्टीज दिखता है, बट अमोर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड या फॉल्स सॉलिड कहते हैं, क्योंकि अमोर्फस सॉलिड में कुछ कुछ लिक्विड्स का भी प्रॉपर्टी दिखता है। कौन सा प्रॉपर्टी बचे, अमोर्फस सॉलिड फ्लो एट वेरी स्लो रेट, बहुत स्लो रेट से, बट ये फ्लो करता है। और उसके बाद बात किए क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप जब काटोगे शार्प एज टूल से, तो ये एकदम क्लियरली कट हो जाएगा और आपको क्रिस्टल कट में मिल जाएगा। बट अमोर्फस सॉलिड क्या रहते हैं, वो ब्रिटल रहते हैं, इसलिए उसको आप कट करने जाइएगा तो वो क्लीनली नहीं कट होगा। फिर हम लोगों ने बात किया क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, तो क्या है एनाइसोट्रॉपिक, मतलब उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये सब डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट रहता है, बट अमोर्फस सॉलिड क्या रहता है, आइसोट्रॉपिक होता है। अब आप लोगों को उदाहरण भी हमने बहुत सारा दे दिया, आप लोग एनसीईआरटी बुक में भी देख लीजिएगा डिफरेंसेस और एग्जांपल्स भी। नेक्स्ट हम लोग क्या बात किए, हम लोग बात किए चार तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्या क्या बात किए, कोवेलेंट, मॉलिकुलर, मेटालिक और आयोनिक। कोवेलेंट सॉलिड में क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कोवेलेंट में है एटम्स। मॉलिकुलर सॉलिड में क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स। आयोनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, आयन्स। और मेटालिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कर्नल्स, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज आयन और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम लोग बताए आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये चार तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी बताए, आपका आयोनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड, ये लोग क्या रहते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पर आपका मॉलिकुलर और आपका कोवेलेंट ये जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। और इसमें बात भी है ग्रेफाइट है एक एग्जांपल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। फिर हम लोग बात किए जो मेल्टिंग पॉइंट,
मेल्टिंग पॉइंट हाई किसका रहेगा? मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा मेटालिक सॉलिड्स का और आपका आयोनिक सॉलिड्स का। अब बाकी दोनों कैटेगरी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। आप लोग सब एग्जांपल्स भी बुक में देखोगे ये चारों टाइप का। अब हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देते हैं। सबसे पहले तो आप लिखिएगा व्हाट इज ए सॉलिड, व्हाट इज ए सॉलिड। हमको लगता है अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा व्हाट इज ए सॉलिड लिखने में, और ये तो हम लोग पहले भी लिख चुके हैं। दूसरा राइट डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड। तीसरा आप तो लिख लोगे डिफरेंसेस, मैंने बहुत सारा आपको बता दिया। तीसरा व्हाई ओ इन ओल्ड ग्लास विंडोज व्हाई ओल्ड ग्लास विंडोज या फिर लिखे व्हाई ओल्ड ग्लास विंडोज बिकम्स थिक एट द बॉटम बट थिन इन द मिडिल। फिर राइट डिफरेंस बिटवीन फोर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। राइट डिफरेंस बिटवीन फोर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एक क्वेश्चन आप लोग कोशिश करना जो क्लासिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड इसमें पोटेशियम क्लोराइड देन कार्बन डाइऑक्साइड फिर सिलिकन डाइऑक्साइड सिलिकन कार्बाइड सिल्वर। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको क्लासिफाई करने का कौन है मॉलिकुलर सॉलिड कौन है आयोनिक सॉलिड कौन है मेटालिक सॉलिड और कौन है आपको कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है तो घर पर रहिए स्वस्थ रहिए और फिर आगे क्लास में हम लोग बात करेंगे बाकी इस चैप्टर का आगे का। थैंक यू।